ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को कुछ ऐसे हैक्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, वो भी Instagram के, जिनसे गाइस कि आप उन हैक्स का अगर आप यूज करोगे तो गाइस आप लोगों का टाइम जो है काफी ज्यादा बच जाएगा एंड जो आप लोग जो है मतलब कुछ ऐसी चीजें सीख जाओगे जो कि गाइस आप लोगों को आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो गाइस आज मैं आप सभी को सब कुछ इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो पे बिल्कुल एंड तक बने रहना। क्या पता आपको कौन सा हैक्स आपके जो मतलब कि आपके आगे टाइम में कितना काम आ जाए, तो आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच करना। एंड गाइस अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रिक नंबर वन जो कि गाइस आप लोगों को पता होगा गाइस कि जब भी हम मतलब इंस्टाग्राम में किसी से बात करते हैं एंड उस टाइम पे जो है मतलब कि किसी का मैसेज आ जाता है तो हम सोचते हैं कि यार मतलब कि उसको ऑनलाइन शो हो रहा होगा, बट यार हम जो है उसका मतलब मैसेज आप हम सीन नहीं करना चाहते हैं एंड उसको हम नहीं चाहते हैं, अब उस मैसेज को पढ़ना भी चाहते हैं। तो मतलब ऐसे बहुत से टाइम में ये हो जाता है कि कोई हमें जो है 4-5 मैसेज कर देता है, बट हम चाहते हैं कि हम उसको सीन ना करें, बट हमें वो मैसेज जानना होता है कि हम कैसे देख रहे हैं। ठीक है, तो वो आप लोग कैसे देख रहे हैं वो सुबह सबसे पहले आप सभी को चले जाना अपने इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम में जाने के बाद जैसे ये मैं पहले आपको दिखा देता हूँ मेरे को कौन सा मैसेज नहीं सीन करना, जो कि गाइस आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा मतलब कि यहाँ पे अनिकेत कुमार, ये मेरा दोस्त है, इसका मतलब मेरे को मैसेज का देखना नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले जाएंगे सर्च बार में जाने के बाद मैं सिंपली इसकी पहले आईडी को सर्च कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी इसका आईडी है जैसे कि मैंने आप सभी को दिखाया। ठीक है, फॉलो मत करना कोई भी इसको, ठीक है फॉलो मत करना कोई भी इसको भाई को। ठीक है, तो यहाँ पे चले जाना आप सभी को यहाँ पे अकाउंट में इसके, एंड अकाउंट में जाने के बाद आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, आपको ऊपर साइड में दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर देना, एंड इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको जो है रिस्ट्राइक पर क्लिक कर देना है। रिस्ट्राइक पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे गाइस आपको रिस्ट्राइक अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, टेंशन मत देना, कोई भी ब्लॉक लॉक नहीं कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो ऐसे आपको रुक के करना है, आप लोग सिंपली यहाँ से चले जाना बैक, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा वो यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, तो इसमें घबराना नहीं है कि यार वो ब्लॉक तो नहीं होगा कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको सर्च बार में जाकर आपको उसका अकाउंट यहाँ पे सर्च कर लेना है। ठीक है, तो जैसे आप इसका अकाउंट सर्च करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मतलब कुछ भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब आप कुछ देर में आप देखोगे तो यहाँ पे वो ऐसे सोने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने उसका मैसेज देख लिया, बट अभी उसको वहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा कि आपने उसका मैसेज सीन कर लिया। अब इसको आपको हटाने के लिए आपको सिंपली अनस्ट्राइक पे क्लिक कर देना, ये हट जाएगा। सो गाइस ट्रिक नंबर टू यहाँ पे आ जाती है गाइस, जो कि आप लोगों को पता होगा गाइस कि हमने मतलब कि जब भी किसी पोस्ट को हम लाइक कर देते हैं या किसी पोस्ट पे हम कमेंट करते हैं तो हम सोचते हैं कि यार हम उसको यार वापस जाएं उस पोस्ट पे एंड उसको हम यार लाइक करना चाहते हैं। मतलब कि कई बार हो जाता है हम किसी गलत पोस्ट को लाइक कर देते हैं या किसी के ऊपर हम कमेंट कर देते हैं, बट हम भूल जाते हैं कि हमने जो है गाइस अपने यहाँ पे मतलब कि किसी फैमिली मेंबर को फॉलो कर रखा है, तो उसके पास अगर वो पोस्ट जाएगा उसको दिख जाएगा तो यार क्या सोचेगा वो हमारे बारे में। तो ऐसे टाइम में जो है गाइस वो पोस्ट मिलना हमें गाइस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मतलब आप कैसे उन पोस्ट को आप ढूंढ सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपली करना है क्या, तो सबसे पहले आप सभी को अपनी प्रोफाइल में चले जाना। ठीक है, आप लोग प्रोफाइल में आप जैसे जाओगे तो आपको ऊपर एक 3 लाइन दिखेंगे, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, एंड उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे योर एक्टिविटी पे क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इंस्ट्रक्शन के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे लाइक कमेंट्स आपने जो जो यहाँ पे जितना भी किया होगा यहाँ पे कभी भी किया होगा यहाँ पे डेट वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हो, सब आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सॉर्ट बाय पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सब कुछ ऑप्शन में दिख जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे जाकर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे डेट वगैरह सब कुछ सिलेक्ट करके यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने कौन सी डेट पे कौन सी फोटो को लाइक किया था कमेंट किया था सब पता चल जाएगा। सो गाइस वन ऑफ द लास्ट मैं आप सभी को एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि गाइस सबसे ज्यादा बेस्ट लगी मेरे को अब तक की। मतलब मैंने ये जो ये ट्रिक है जब पहले मेरे को मना ही पता था इस बारे में, मतलब कि पहले जो ट्रिक है पहले ये एप्पल वालों के लिए आया था, ठीक है एप्पल यूजर्स के लिए, बट अभी एंड्रॉइड के लिए भी आ गया। तो इसमें क्या था कि गाइस जिससे जो मतलब कि आपका टाइम जो है काफी ज्यादा बचेगा। मतलब इससे क्या होगा कि जब मतलब कि आप लोग कोई भी इंस्टाग्राम में रील वगैरह या वीडियो पोस्ट कुछ भी देखते हो मतलब आपको दिख जाता होगा तो आप उसको शेयर करते होंगे अपने फ्रेंड्स के पास, तो आपको कैसे करना पड़ता होगा, आपको सिंपली यहाँ पे जो एरोप्लेन वाला जो आइकन होता है शेयर वाला आप उस पर क्लिक करते हैं, वहाँ से आप सिलेक्ट कर देंगे। बट गाइस आप लोग जो है वहाँ पे एक ईजी तरीके से आप शेयर कर सकते हो, वो कैसे करना है वो चलिए बताता हूँ स्क्रीन। तो गाइस आप लोगों को करना है क्या, गाइस देखिए आप अगर आपको ये पोस्ट को अगर शेयर करना तो गाइस देखिए पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे शेयर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इसके ऊपर प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पे आपको गाइस जो भी आपका फ्रेंड वगैरह जो भी होगा आपके उसकी प्रोफाइल जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगी, तो आप लोग यहाँ से शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे अपने फ्रेंड के लोगो पे क्लिक किया एंड वो वीडियो वहाँ पे सेंड हो गई। सो गाइस आज की वीडियो हमारी यहीं तक, जो गाइस कि आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देख सकते हो गाइस नीचे हम जो है 30,000 सब्सक्राइबर कितने ज्यादा करीब उधर, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना। बाकी चलिए गाइस मिलता हूं किसी नए वीडियो में, तब तक लाइक कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।